नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी। राजधानी दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी और सिकंदर बनकर उभरी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर फिलहाल अटकी है। अभी तक के नतीजों या रुझानों से साफ है कि अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब वो उनकी पार्टी उस फेहरिस्त का हिस्सा बन चुके जिन्होंने लगातार कहीं पर तीन बार सरकार बनाने का जादू कर दिखाया हो। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की जीत से ज्यादा बीजेपी के हार के चर्चे इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि चेहरे की कमी के आफत की वजह से भाजपा को सिर्फ दिल्ली में मुंह की खानी नहीं पड़ी, बल्कि इसके पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में भी इस तरीके की समस्या से जूझना पड़ा। कुछ जगहों पर सत्ता चली गई, कुछ जगहों पर गठबंधन से सरकार बनी। यहां तक कि आम चुनाव से पहले हुए राजस्थान जैसे चुनाव में भी यही नारा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। इन तमाम वजहों से साफ है कि भाजपा के लिए राज्यों में नेतृत्व का संकट गहरा गया है और दिल्ली में 15 में भी बीजेपी को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी तरफ से शाहीन बाग और जामिया से लेकर CAA तक को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य और मुफ्त की चीजों को अपना मुद्दा बनाए रखा। अब बीजेपी ने राष्ट्रवाद, नागरिकता कानून और फिर शाहीन बाग, ये मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आप पिछले 5 साल जो उन्होंने काम किया था, काम नहीं किया था, उस पर जो आरोप प्रत्यारोप थे उसी को मुद्दा बनाया। इस पर दिल्ली की जनता ने फिलहाल अब अपनी मुहर भी लगा दी है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल ने काम से बाजी मार ली है? क्या केजरीवाल वर्सेस कौन की टक्कर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और क्या बीजेपी को स्थानीय मुद्दे नजरअंदाज करना भारी पड़ गया? लगातार राज्यों में जो चुनाव हार रही है बीजेपी, उसके कारण है क्या? सिर्फ मोदी और अमित शाह के नाम पर जीत मिलना मुश्किल क्यों दिखाई दे रही है? इस पर चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। मंगलवार को जैसे ही काउंटिंग में आपने भारी बढ़त हासिल की और रुझानों का आंकड़ा 60 के पार पहुंचा, वैसे ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोश में आ गए। ढोल नगाड़ों पर नाच गाना शुरू हो गया। इस दौरान आपकी महफिल में अमित शाह के पोस्टर लहराए गए, लेकिन लिख दिया गया कि करंट लगा क्या। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में अमित शाह ने कहा था कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। चुनाव प्रचार में ही केजरीवाल को आतंकी की संख्या दे दी गई, लेकिन जीत के जश्न में पलटवार का मौका भी था। आप नेताओं ने जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों ने बता दिया कि उसके बेटे के खिलाफ जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, पूरी की पूरी ताकत लग गई, 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया और पूरे देश में संदेश दिया कि काम की राजनीति होगी, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति। आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी ने तन मन पूरा समर्पित करके 5 साल तक दिल्ली वालों की जो सेवा की, उसका ये बड़ा परिणाम आप लोगों के पक्ष में आया है। बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां आप सबको। रुझानों में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने 60 सीटों के आंकड़े को पार किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की जीत को अपने 5 साल के दौरान किए गए कामों की जीत बताया। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने।
आई लव यू। जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है, ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। चुनाव के दौरान केजरीवाल की हनुमान भक्ति भी खूब देखने को मिली। बीजेपी के जय श्री राम के उद्घोष के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जय हनुमान का नारा बुलंद किया था, लिहाजा जीत मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने इसका श्रेय हनुमान जी को कुछ इस अंदाज में दिया। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने हार को स्वीकार किया और आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी दी। काउंटिंग से पहले जीत का दम भरने वाले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी हार मान ली और अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। हमने अपने हिसाब से काफी अपेक्षाएं रखी थी, हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हालांकि इस हार पर दूसरे राजनीतिक दलों ने बीजेपी को घेरने में कोई कोताही नहीं बरती। खास तौर पर यूपी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में सबसे अगली पंक्ति में थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ये दिल्ली का जो परिणाम आएगा और दिल्ली का जो संदेश जा रहा है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश की जनता एक बार फिर किसान, गरीब, नौजवान, विकास और खुशहाली के लिए मतदान करेंगे। ये जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों से की हुई थी उसमें वो असफल होते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि अधिकांश भारतीय आज भी सामाजिक रूप से उदार और राजनीतिक रूप से समझदार हैं और धर्म जैसे व्यक्तिगत विषय को राजनीति के पंख में घसीटकर अपना सियासी फूल खिलाने वालों के खिलाफ हैं। ये देश की शांति और विकास के लिए शुभ संकेत और स्वस्थ संदेश है। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाने में नाकाम बीजेपी की उम्मीद को गहरा झटका लगा है। एक तो बीजेपी पिछले 2 दशकों में दिल्ली की सत्ता से बाहर है, वहीं बीते 2 सालों में पार्टी 7 राज्यों में हार का सामना कर चुकी है। हालांकि बीजेपी के टॉप बॉस को ये सोचना होगा कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर फाइट करना कहीं गलती तो नहीं है।
बहरहाल तो अब शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा, कैसे तय करेगा, भविष्य की बात है। लेकिन सवाल यह है कि राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा और दिल्ली के चुनाव में असल में मामला था क्या। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अकील खान हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है खान साहब आपका। फजील अहमद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है फजील भाई आपका। कमर अली हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है कमर अली आपका। पंकज रस्तोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। डॉक्टर सुरीता करीम हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरीता आपका। और सचिन यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है सचिन आपका। सबसे पहले खान साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं शुभकामना के साथ कि आप लोगों ने वाकई कमाल कर दिया दिल्ली में। लेकिन ये कमाल कैसे संभव हो पाया? क्या वही ईवीएम जिसको कल तक आप कोस रहे थे उस ईवीएम ने कमाल कर दिया? क्या वो शाहीन बाग से दूरी बनाना केजरीवाल का उसने कमाल किया, या फिर वो मुद्दे जिनको आप कहते चले आ रहे हैं कि नहीं हम काम के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, उसका कमाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा और देश के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है और इसकी सूत्रधार है दिल्ली की जनता, जिन्होंने एक नई क्रांतिकारी जो सोच के साथ और एक नए राजनीतिक जो हमारी राजनीति है काम करने की, काम करके दिखाने की राजनीति, एक नई राजनीति की शुरुआत को उन्होंने ठप्पा लगाया है, उन्होंने अप्रूव किया है। और मैं दिल्ली की जनता को शत शत नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। उन लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हाँ, अब हमें जो है ये डिवीज़न ऑफ पॉलिटिक्स, ये बंटवारे की राजनीति से ऊपर उठ करके हमें एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बनाने की राजनीति करनी जरूरी है। और ये फेल हो गई है भाजपा बुरी तरह से, अपने सारे हथकंडों के बावजूद जो दिल्ली की जनता ने जो सपोर्ट दिया है और जो प्यार दिया है और जो वर्डिक्ट दिया है वो देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, कमर अली साहब जवाब देंगे क्योंकि अब समीक्षा करने की बात कहने लगे हैं वो नेता जिन पर प्रदेश की जिम्मेदारी थी अध्यक्ष के तौर पर, और जो ट्वीट करके कह रहे थे लिख कर रख लीजिएगा काम आएगा, आज तो डिलीट करने की कोशिश हो रही होगी कहीं से, लेकिन अब डिलीट तो नहीं होगा, छप जाता है तो छप ही जाता है, भले अपने ट्विटर हैंडल से वो डिलीट कर दें लेकिन लोगों के मन में तो वो छप चुका है। इतनी करारी हार उम्मीद थी क्या? चलिए, शायद मेरी कमर अली तक आवाज नहीं जा रही है। फजील भाई, एक सवाल आपसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जो इस वक्त का सिनेरियो है, दो राष्ट्रीय दल और दोनों का ये हश्र, एक का खाता नहीं खुला और दूसरा जो दल है वो इतने प्रचंड तौर पर अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी 8 सीटों पर सिमट रहा है, वाकई ये क्या केजरीवाल बनाम कौन के वजह से हुआ? फजील अहमद, देखिए जिस तरह से इन लोगों ने 6 साल से सरकार केंद्र में चल रही है और दिल्ली तो 50% केंद्र का ही मालिक है, तमाम विकास के कार्यों को लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के मामले में, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा मामला हो। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने, आप देखा 6 तारीख के अंदर जिस तरह से शाहीन बाग और जामिया की चर्चा दिल्ली में हो रही थी, आज नहीं चर्चा हो रही है। क्या अब रास्ता बंद नहीं है या अब लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ तब भी थी, तकलीफ आप भी है। और 4-4 महीना इन लोगों ने रोड जाम किया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, तब भी तकलीफ लोगों को हुई थी। लेकिन जिस तरह से इस बात को बजाए, देखिए प्रोटेस्ट को आप प्रोटेस्ट समझिए, प्रोटेस्ट क्या होता है? जिस तरह से बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध पिलाने का काम करती है, ठीक उसी तरह जब आवाम कोई प्रोटेस्ट करके बताती है कि साहब हमारी समस्या है, सरकार को सुनना उसका धर्म है, वो सुने या ना सुने, यदि वो सुनती है नहीं, तो आप इस चर्चा मैं को शाहीन बाग पर सिर्फ ले जा रहे हैं, इसलिए खान अगर ये पूरा चुनाव तो भी मैं ये पूछता हूं, ये खान कह रहे हैं पूरा चुनाव, पूरे चुनाव में एक सुन लीजिए, पूरा नहीं, आप शाहीन बाग को दिल्ली नहीं बता सकते ना, नहीं पूरा इलेक्शन, क्या शाहीन बाग की वजह से केजरीवाल जीते? सुन लीजिए, उस पर भी आ रहा हूं, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि रिवर्ट बॉल हो गई, मारा कहीं और चली गई कहीं और, कभी कभी रिवर्ट हो जाती है, कभी कभी आप कोई चीज मारते हैं ना तो वो वापस आपकी तरफ आ जाती है, बैक फायर, जिसको बैक फायर बोलते हैं, ये बैक फायर हो गया।
ये लोग समझ रहे थे कि हिंदुस्तान दिल्ली की आवाम जो है वो हमारे जिस तरह से हम सांप्रदायिकता फैला करके देश में माहौल बनाते हैं वो नहीं चलता, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इनके दिमाग में ये बात था कि हम नफरत का माहौल बना करके एक तरफ इनको कर देंगे, दूसरी तरफ हम अपनी बाजी मार लेंगे। ये दिल्ली है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दिल्ली में नहीं चलता ये सब। इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला था और बचा खुचा जो बचा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आके उसको भी धो दिए। नफरत एक ऐसा माहौल दिल्ली में 10 दिन से बन गया जैसे कोई किसी को देखना नहीं चाहता। अच्छा फजील अहमद, एक सवाल जरा जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी तो नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही थी कि उसकी हालत हो गई? देखिए कांग्रेस का स्ट्रेटजी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस अब सेल्फ अपने को सेफ करना चाहती है, जो है उसी को बचाना चाहती है। बचाई क्या, बचाई नहीं, नहीं दिल्ली के इलेक्शन में अगर दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस जोर से लड़ती तो शायद बीजेपी को फायदा होता। कांग्रेस ने अपनी लड़ी नहीं, नहीं लड़ी नहीं। हाँ। आप देख लीजिए पूरा चुनाव लड़ी नहीं, प्रियंका गांधी ने कोई सभा नहीं की, राहुल गांधी ने कोई सभा नहीं की और पूरी पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसको आप मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। पूरी तरह से बैक साइड होके पर्दे के पीछे देख खेल को अब कांग्रेस इस फेज में आ गई है कि हम भाजपा को कम से कम रोके। मतलब ये आरोप केजरीवाल का गलत था, अखिल खान साहब इसका बाद में जवाब देंगे, ये आरोप गलत था कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आपने स्पष्ट कर दिया कि नहीं कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही थी, और लड़ रहे थे तो आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग। कमर अली साहब जवाब देंगे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी जो उन्होंने एनालिसिस किया है, शाहीन बाग को आपने मुद्दा बनाया, सेल्फ गोल हो गया। अतुल जी पहली बात तो मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आम पार्टी को बधाई। तो जो आवाज कम आ रही, अब मुझे लगता है चुनाव खत्म हो गया है, अब उनको बहुमत मिला है, अब जनता के लिए काम करें जो जनता के लिए उन्होंने वादे किए थे। अब मुझे लगता है अब ऐसी बात करने से, क्योंकि अब तो ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो चुनाव प्रचार किया जाए और तरह तरह की बातें करी जाए, मुझे लगता मुनासिब नहीं है कि सब बातों का, वो वक्त निकल चुका है, अब काम करने का वक्त नहीं, नहीं है। लेकिन कमर भाई ये भी बात नहीं है ना, अब आप कहेंगे कि आतंकवादी को हम बधाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? चुनाव में आप आतंकवादी कहेंगे और बाद में कहेंगे हम बधाई दे रहे हैं चुनाव खत्म हो गया, ये भी तो संभव नहीं है ना। नहीं देखिए अतुल जी देखिए सर, जख्म भर जाता है लेकिन जख्म के दाग नहीं जाते, समझिए बात को। आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आज तो समय है कहने का, अब तो रिजल्ट आ गया उसका, कि आपको क्या मिला देश को बांटने की राजनीति करने से? भाई अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रचार, आप मुझे लगता है पॉलिटिकली पार्टी में अच्छे लगते हैं फजील भाई, आप पॉलिटिकली पार्टी बीएसपी समर्थक बनके जब आप बैठते तभी अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। आपको बता दूं वैसे कि इसी बार जो एग्जिट पोल हुए हैं जिसमें केजरीवाल को जीत के तौर पर दिखाया जा रहा था, उसी एग्जिट पोल में बहुत सारे चैनलों ने यह भी जब सवाल पूछा था कि केंद्र में कौन, तो मोदी पहली पसंद थे, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल कमर अली अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए इस तरह की बातें करने का मैंने कहा वक्त चला गया, काम करने का वक्त आया है, वो काम करें और जनता के उनके ऊपर भरोसा किया है तो जनता पे खड़े उतरेंगे, हमारी उनको बधाई। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है चलिए, अब आपने काम का जिक्र किया है तो दूसरा सवाल मेरा उस काम से ही होगा कि काम किसने किया था और कौन के वजह से आप हार गए। क्या सुरीता करी, आपने फजील अहमद को सुना, उनका कहना है कि कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही थी और आप के प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर तो गठबंधन से इनकार करते हुए कह रहे थे कि अगर केजरीवाल की सीटें कम आई तो कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए और वो देगी जीरो से समर्थन और बिना लड़े। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं दिल्ली में जो आम आदमी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उनके मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी पार्टी को बधाई देती हूँ। थैंक यू मैडम। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा जो धन्यवाद देना है वो दिल्ली की जनता को देना है, आपको जीरो क्योंकि देने के लिए। दिल्ली की जनता ने ये दिखाया है उसने जो है समझदारी से धन्यवाद दे रही है, समझदारी ये दिखाई है कि जहाँ पे नफरत की जो राजनीति चल रही थी और जिसको हम लोग पिछले एक महीने से मीडिया में भी देख रहे थे कि हर पॉइंट पे कोई
जहां पे विकास की बातें हो रही थी उसको नफरत की राजनीति द्वारा मैडम अब किया नफरत जा रहा की और प्यार की राजनीति जो चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं। मैं परिणामों पर चर्चा कर रहा हूं डॉक्टर सुरीता, मेरा सीधा सवाल है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से आपने वर्जन सुन लिया, एंकर का ये सवाल है, आप तो नफरत की राजनीति नहीं कर रही थी, चलिए चलिए कांग्रेस नहीं कर रही थी तो उसी पर तो सवाल होगा ना, बीजेपी कर रही थी, मुझे आप बोलने देंगे, मैं आपसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल है ना, अरे मैं बता रही हूँ, बीजेपी तो नफरत की राजनीति कर रही थी, कांग्रेस क्या कर रही थी मैडम ये बताइए, सवाल तो मेरा जवाब तो सुनिए, कांग्रेस ने 15 साल जो दिल्ली को एक अच्छी सरकार दी थी जिसमें कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोवाइड करके दिया था, केजरीवाल जी ने उसी पे बिल्डअप किया है, दिस इज न्यू वाइन इन एन ओल्ड बॉटल, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, मतलब ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ले रही हैं, मतलब कि वो मतलब जो पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड अगर कांग्रेस का देखें तो 48-43 उसके बाद 8 क्योंकि दिल्ली में फिर से शून्य, 15 साल मैडम बिजली पानी काम को बढ़ाया, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आपने दिया, आप ये कह रही हैं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आपने दिया है, मैडम आप ये कहना चाह रही हैं दिल्ली में काम आई है, शिक्षा स्वास्थ्य किसने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, ये मैं ये कहना चाह रही हूँ, बोलिए बोलिए अकील खान साहब का ये सवाल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली की जनता ने हमेशा विकास को पसंद किया है और इसीलिए दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है इससे हमें विशेष खुशी है कि दिल्ली की जनता भटकी नहीं है, उसने मुद्दों में भटकाया गया बहुत ज्यादा, वो भटकी नहीं, उन्होंने सही बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा दिल चाहिए होता है, देखिए इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, डॉक्टर सुरीता कम से कम आपकी जीत पर खुशी जाहिर कर रही हैं, विशेष खुशी जाहिर कर रही हैं, ये अपने आप में अलग तरीके की राजनीति का ही परिचय है, कांग्रेस खुश है इस बात में कि आम आदमी पार्टी जीत गई, समाजवादी पार्टी किस वजह से खुश है, सचिन यादव सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल्ली वासियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिजली हो पानी हो स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा की बात हो सबके लिए अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए जो बढ़ चढ़ कर मतदान किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और समाजवादी पार्टी आप जानते हैं अभी भी पहले भी और पूरा देश जानता है जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ना जानते हैं वो है विकास। आज हम लोगों को प्रसन्नता इस वजह से है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी हिंदू मुस्लिम या और कोई मुद्दे को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि अगर मैंने काम किया हो अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया हो तो उन्हें वोट दें। हमने आपके चैनल पर देखा, मैंने देखा कि कहा जा रहा है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री और कोई सरकार इस पर अपने काम पर वोट मांग रही है, तो इस वजह से हमारी पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बधाई देती है दिल्ली की। चलिए बधाई देने का आज दिन भी है, वाकई तो बधाई सभी को देना चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से भी जीत हासिल की, जिस मुद्दे पर भी जीत हासिल की, जीत तो है और बड़ी जीत है। ठीक है सचिन यादव मैं आऊंगा, खान साहब सवाल ये है कि अब यहाँ पर डॉक्टर सुरीता करीम के उस प्रश्न से एक प्रश्न निकाल रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की 15 साल की यानी जो 15 साल उनकी सरकार रही थी उस काम के वजह से आज आप इतनी बंपर जीत दर्ज कर पाए। बीजेपी तो कह रही है, कमर अली कह रहे हैं कि आपको शुभकामना, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रही हैं। क्या आप मानते हैं कि उनके वजह से आप जीते हैं और इस वजह से वो शून्य में भी खुश हैं, आप 60 पार करके गदगद हैं? देखिए दिल्ली की जनता को आपने अगर दिया था तो दिल्ली की जनता ने आपको जीरो क्यों कर दिया, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि दिल्ली के अंदर जो गंदगी का साम्राज्य था वो साम्राज्य एमसीडी बीजेपी के पास था, वो अभी तक बरकरार है। हमने जो काम किए जो हमारे हिस्से में आए हमें दिए गए जो 50% हमारे पास जो पावर थी दिल्ली के अंदर जो हमें काम करने का मौका दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य
इन दो चीज़ों में हमने पूरे देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया और एक बहुत बड़ा हमने एक जिस तरीके का जो सिस्टम में बदलाव लेकर के आए हैं और जो गवर्नमेंट के स्कूल जो 53% की जिनकी परफॉर्मेंस होती थी वो 94% रिजल्ट दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा हैं और पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो इनका गुजरात मॉडल है उसमें 73% होता था रिजल्ट, हमारा 94% है। और यूपी जिसे योगी जी जैसे महान नेता लीड कर रहे हैं वहाँ पे वो नंबर 20 पे लास्ट में है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, किसी और छोटी एजेंसी की नहीं है। इसके अलावा जो बिजली पानी जो देश की मूलभूत सुविधाएं चाहिए देश को, क्योंकि कोई भी देश कोई भी राज्य तभी डेवलप हो सकता है तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास ये मूलभूत सुविधाएं पूरी हो और ये हमने दी है। बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य इसके अलावा हमने 70 काम हमने जो वादे किए थे वो पूरे 70 वादे हमने पूरे किए हैं। प्रदूषण हमने 25% कम किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास किया, आखिर में जाकर हमें मौका मिला क्योंकि 2.5 साल तक हमें कोर्ट में लड़ना पड़ा। ठीक है कमर अली, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर सुरीता के पास जाऊंगा, फजील भाई के पास जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप कह रहे थे कि 48 45 बहुत सारे आपने दिए थे आंकड़े, लेकिन वो आंकड़े ध्वस्त हो गए। आपका परसेंटेज बढ़ा है, कुछ सीटें भी बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से आपका दावा था उसमें कहां गच्चा खा गए जी? क्या वाकई 300 सांसद 7 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गृह मंत्री सबके आने के बाद, वो खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जहां पर रैली की थी कम से कम वो इलाका आप जीते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी जगह से आप साफ हो गए, चेहरा यहीं चूक खा गए क्या? देखिए पॉलिटिकल पार्टियां सभी अपने अपने स्तर से दम लगा के लड़ती है, चाहे कांग्रेस ने दम लगा के लड़ा हो, चाहे 10 पार्टियां लड़ी हो, दम लगा के बिल्कुल लड़ी है। राजनीतिक पार्टियां भले ये कहे कि नहीं हमने उनके लिए रास्ता छोड़ रखा है, ये गलत चीज है, क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस का क्या वोट प्रतिशत और घटा है, अगर आप देखेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे, बाकी सारे भी अब्दुल्ला दीवाने हैं जितने हो रहे हैं। हमने उनको बधाई दी, ठीक है, जनता उनको कबूल किया, हमने बधाई, लेकिन ये सब जो खुश हो रहे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। इनका वोट प्रतिशत गिरा है, जरा इनको गौर करना चाहिए, मुझे लगता है अपने ऊपर। हमारा वोट प्रतिशत 32-40% गया है अतुल जी, 32-40% गया है। हम 3 सीट से लेके 7 सीटों पर गए हैं, ये हमारी उपलब्धि है। ये इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, इसीलिए लड्डू बांटे निकल रहे हैं कि भाई चलिए हमें भी शरीक कर लीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और दूसरा भले कोई जीत जाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो चल रहा है वो मुनासिब राजनीतिक पार्टियों के लिए देखिए नहीं होता। इस वक्त इस तरीके की परिस्थिति पूरे देश में बनी है, मेरा प्रश्न वो नहीं है, वो खुश होते हैं होने दीजिए, आप कैसे खुश नहीं हो पाए वो आपके लिए सोचने का विषय है ना। आपकी इतनी बड़ी रणनीति उस पर अगर आप विफल हो गए तो वहां चूक कहां है? केजरीवाल बनाम कौन, ये चूक की वजह है? जी, ये क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं पाया। केजरीवाल बनाम कौन, क्या इसके वजह से आप चूक गए इतना पूरी ताकत लगाने के बाद भी? नहीं देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम चूके नहीं है। देखिए कहीं पे वो आप जानते हैं 1-2% से भी सीटें घट बढ़ जाती हैं, इस बात को आपको देखिए मानना पड़ेगा। जनता ने हमें कबूल किया है, हम 32-40% पे गए, हम घटे नहीं है, हमारी सीटें बढ़ी हैं अतुल जी, इस बात पे गौर करिए। वो अलग बात है कि 2-5% 4% वोट हमारा और बढ़ जाता तो ये कुछ और मसाइल होते, यहाँ पे कुछ और दिख रहा होता। तो ये हमने 8% करीब वोट हमारा प्रतिशत वोट बढ़ा है, ये भी उपलब्धि है। सीटें देखिए होता ही है कि कहीं कहीं पे कहीं जब आपका वोट प्रतिशत घटता है तो सीटों में देखिए नुकसान होता है, आपकी सीटें भी बढ़ी हैं, ये सच्चाई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप जो दावा कर रहे थे वहां पर वो दावा फेल भी हुआ है, ये भी सच्चाई है। फजील अहमद बहुत जल्दी से, अब कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के प्रवक्ताओं को अगर हम कंपाइल करें, कांग्रेस किस वजह से खुश है? वो कहती है हम विशेष तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या मतलब खुद की शहादत वो दिखाना चाहते हैं? उनके काम पर आम आदमी पार्टी जीत जा रही है और वो कह रहे हैं विशेष खुश हैं। बीजेपी का तो कम से कम वोट परसेंट बढ़ा, चलिए वो सरकार में नहीं आ पाए, विपक्ष में तो उन्हीं की भूमिका होगी, ये किस तरीके की राजनीति थी? और आम आदमी पार्टी का कहना कि नहीं शाहीन बाग नहीं बल्कि 3-4 मुद्दों के वजह से हम जीते हैं,
काम के वजह से, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शाहीन बाग बैकफायर कर गया? देखिए, शाहीन बाग में अमानतुल्ला 80,000 से ज़्यादा वोट से जीते, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दिल्ली के लिए। दूसरे प्रांतों में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दिल्ली में कम है। इस हिसाब से 80,000 की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। आप देखिए, वो क्या विकास के नाम पर मिली है, वो एक रिएक्शन के नाम पर है। जो लोग बिल्कुल एग्रेसिव है, वो एग्रेशन का वोट है। इसी तरह का इसमें हम मानते हैं कि 50% केजरीवाल जी के काम का भी वोट है, लेकिन ये भी 50% एग्रेशन का वोट है। ये मान के लीजिए, एग्रेशन को थोड़ा इसमें करेंगे, एक मिनट सर, थोड़ा सा एग्रेशन क्या किया, ये मैं बता रहा हूँ, अब आ रहा हूँ एग्रेशन की, यही नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि एग्रेशन जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो शाहीन बाग का मुद्दा नहीं उठा रहा है। नहीं, इसलिए ये तो बच रहा है, देखिए ये बच रहे केजरीवाल वहाँ गए नहीं, शाहीन बाग से ये बच रहे, एग्रेशन जिस तरह देश, नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बच रही, अखिलेश यादव भी बच रहे, और लालू जी के बेटे भी बच रहे, सारे लोग बच रहे हैं। आज सीएए पर लड़ाई सरकार के खिलाफ मुसलमान अकेले लड़ रहा है, और जिस तरह से केजरीवाल देखिए काम, ये एग्रेशन किया, एग्रेशन पर जीते, जिस तरह से के नाम पर जीते, जिस तरह से एग्रेशन, एक चीज मैंने कहा 50% आपका काम है। देखिए, अगर एक काम बता दिए, हम बस अच्छा ठीक, वही बता देते हैं, वही बता देते हैं, सबसे ज्यादा स्कूल, सबसे ज्यादा स्कूल और सबसे ज्यादा विकास काम सिसोदिया के क्षेत्र में हुआ है, डिप्टी सीएम रहे हो, क्या हालत हो गया? अरे सर, क्या हालत, सबसे ज्यादा जो मॉडल स्कूल आपने बनाए और जो स्कूलों की नजर से जीतते, अरे सर देखिए ना, इतना विकास, मतलब पटपड़गंज क्षेत्र दिल्ली का सबसे क्रीम क्षेत्र है और सबसे वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। आप खुद सोचिए, डिप्टी सीएम 8-8, 9-9 विभाग का जो मालिक है, उनकी विकास के नाम पर क्या हालत हो गई? उनको तो 80,000 से उनको जीतना चाहिए था। खान साहब, इस पर जवाब चाहूंगा आपके बाद। अस्सी हजार से देखिए अमानतुल्ला 80,000 से जीते, जबकि शाहीन बाग में बहुत कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत काम हुआ है, आपको पता नहीं है। मैं तो शाहीन बाग में, शाहीन बाग ओखला में, क्या बात, आपके हैं इसलिए बोल रहे हैं। अरे सर, आम आदमी पार्टी के इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया, सर सुन लीजिए, मनीष सिसोदिया और बिजली की, सुनिए, शीला दीक्षित का रिकॉर्ड है, शीला दीक्षित, शीला मरहूम शीला दीक्षित जो थी 15 साल इसी दिल्ली पर राज की, पूरी देश में उनका नाम हुआ, लेकिन विकास के सवाल पर वो चुनाव हार गई थी, वो कागज दे दिए, अरे सर दिल्ली की जनता को, सर हार गई थी, और मनीष सिसोदिया जिस तरह से चुनाव हारते हारते बचे हैं, इतना बुरा हाल हो गया मनीष सिसोदिया। एक बात तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दी, अखिल जी से मैं जब अगला सवाल लूंगा तो उसका भी जवाब वो देंगे, कि विकास के नाम पर कोई जीत नहीं हुई है, न शीला दीक्षित जीत पाई थी, न केजरीवाल जीते हैं, ये शाहीन बाग का करंट है जो कि बैकफायर कर गया है, सेल्फ गोल कर लिया बीजेपी ने। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए भी बताने का विषय होगा। सच्चाई ये है कि सिसोदिया खड़े थे शाहीन बाग के लोगों के साथ और केजरीवाल वहां नहीं खड़े थे, वो कह रहे थे कि गलत है। डॉक्टर सुरीता करीम, डॉक्टर सुरीता करीम, आप कहती हैं कि आपके काम पर जीत गई आम आदमी पार्टी। अरे आपके काम पर आप जीतेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी? और अगर आपकी ये रणनीति है तो फिर किस तरीके की राजनीति कर रही हैं आप? नहीं देखिए, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता हैं श्री राहुल गांधी, लगातार वो ये बताते आ रहे हैं कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, जो देश में नफरत फैला रही है, वो हिंदू मुसलमान करके हमेशा विकास के इलेक्शन को भटकाती है। तो कोई भी इलेक्शन अगर विकास के मुद्दे पे होता है, उसको भटकाने का काम ये लोग करते हैं। आज जो जीत हुई है वो हमारे हिसाब से द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, मतलब जो पुरानी जो राजनीति थी विकास की, उसको केजरीवाल के रूप में उन्होंने एक नए तौर पे प्रस्तुत किया। आप महाराष्ट्र का देखिए चुनाव, महाराष्ट्र में जो ये राजनीति में केवल स्कूल और शिक्षा स्वास्थ्य दो ही मुद्दे पे ये लड़ाई हुई है। बुनियादी ठीक है, पहली बार काम पे वोट मांगे गए हैं, वोट हमेशा पब्लिक काम को ही देख के, नहीं तो नरेंद्र मोदी को 2014 में अच्छे दिन का जो नारा दिया था उसमें भी लोग यही सोचते थे कि ये काम करेंगे। ये तो अफसोस की बात है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हावी हो रही है, आपको जो राष्ट्रीय राजनीति पे सुरीता करें, उसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही काम है। 2019 में भी चुनाव में गए थे,
और इस बार भी दिल्ली चुनाव में भी जब सवाल पूछा गया था एग्जिट पोल में कि केंद्र में किसको आप चुनते हैं, तो वही बात थी जो मैंने इंट्रो में कहा, यही मोदी को हम मानते हैं। मेरा छोटा सा प्रश्न है जी, बोलिए बोलिए। इतना बता दीजिए कि आप तो नफरत और बांटने की राजनीति नहीं करती है ना, तो आपका खाता दूसरी बार भी क्यों नहीं खुला? वो लोगों का खाता क्यों खुल गया जो आपके काम के नाम पर जीत गए? इसलिए बीजेपी को आपका खाता क्यों नहीं खुला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसलिए कि जहां पे भी एक बेटर अल्टरनेटिव मौजूद रहेगा, पब्लिक उसी को चुनेगी। मतलब कांग्रेस बेटर अल्टरनेटिव, और ये हम लोगों के अंदरूनी पार्टी में इस पे मंथन होगा, विचार होगी। कांग्रेस इस समय दिल्ली में बेटर अल्टरनेटिव काबिलियत जरूर है। कांग्रेस के नेताओं में जितनी काबिलियत है उतनी शायद पूरे देश में इकट्ठा कर लीजिए नेताओं में नहीं होगी। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जब हम लोगों ने ये पाया कि कांग्रेस की जो बेटर अल्टरनेटिव केजरीवाल को लोग मान रहे थे, तो अपने आप, लेकिन मुद्दा चूंकि विकास का था, मुद्दा चूंकि पब्लिक बेनिफिट का था, इसलिए खुशी इस बात की है कि लोगों ने उस मुद्दे को चुना। फिर केजरीवाल साहब को दिक्कत ही नहीं होती, फिर ये आप कहते भी नहीं कि नहीं लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। कल तक तो आप ये दावा कर रही थी, कह रही है कि हमने अपनी तरफ से जो बेटर अल्टरनेटिव थी उनके लिए मौका छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। जब से इलेक्शन नहीं, देखिए हमारे कैंडिडेट सब जगह बहुत अच्छे थे, अच्छी तरह से चुनाव लड़ा गया है, लेकिन पब्लिक इस समय ज्यादा, चूंकि उनको फायदा मिला है, वो एक सिटिंग गवर्नमेंट थी, बिजली के बिल कम हुए थे, लोगों को मुफ्त फ्री राइड्स मिल रही थी, तो जाहिर बात है लोगों ने, ऐसे ही शीला जी के टाइम पे भी अगर आपको याद हो दूसरी बार जब वो चुन के आई थी, तो लोगों को फ्लाईओवर के फायदे मिले थे, बहुत सारे मेट्रो का फायदा मिला था, सीएनजी का फायदा मिला था, तो लोगों ने उनको दोबारा चुना। और मैं तो अच्छी बात है, राजनीति ऐसी होनी चाहिए। शीला दीक्षित के काम के नाम पर ही कांग्रेस अगर कुछ अपने मुद्दे रख देती ना, तो भी शायद आपकी रणनीति कुछ भारी पड़ सकती थी। आपने तो मरहूम शीला दीक्षित के काम को भी सही से नहीं भुनाया, और ना ही उनके परिवार वालों को ही आगे बढ़ाया, तो वहां पर भी आपकी रणनीतिक चूक है, आप उसको माने ना माने। बहरहाल सचिन यादव आपके नेता कहते हैं काम बोलता है, चलिए मान लिया केजरीवाल का काम बोल गया, आपका काम कितना बोल गया था वो हमने पिछले चुनाव में देख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या उम्मीद दिखती है? बीजेपी का परसेंटेज बढ़ गया, आप उनके हार से खुश है? वो सेकंड नंबर की पार्टी अभी भी है, उनकी सीटें बढ़ गई है। आज हम लोग देखिए बीजेपी का जो मकसद है वो कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी ने जो नफरत की राजनीति की है, आज इस तरह से नफरत की राजनीति, कांग्रेस की बात आप करिए, बीजेपी की मत करिए। सचिन यादव जोड़ने का काम किया, हम लोग कामयाब होंगे, आप चिंता मत करिए, आप ही के चैनल में आके हम लोग कामयाबी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो आज भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, उनके ही लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम सचिन भाई सरकार कर रही है। काम दिखाई दे रहे होते हैं तो परिणाम भी दिखाई देता। पिछली बार लोग बहक गए ये कहने से, जैसे डॉक्टर सुनीता कह रही थी कि कांग्रेस के काम से अखिल भाई जीत गए, वो समझ से परे है। वैसे ही आप कह रहे हैं कि आपका काम दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, केजरीवाल का काम दिखा तो उनको 60 से ज्यादा सीटें मिल गई, ये परिणाम भी दिख गया। आपका काम अगर दिखता तो परिणाम भी दिखता ना, पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली के, तो इससे हम लोगों को उम्मीद जगी है कि विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में लोग वोट देंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो सपोर्ट दिया है हम उसके शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छा कि उसका एक बहुत अच्छा है, मतलब मैसेज गया है दिल्ली की जनता पर भी, तो कांग्रेस को भी शुक्रगुजार है। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं बताना चाहूंगा मैडम, जब आप 3 राज्यों में जीत करके आए थे आपकी कांग्रेस, और फिर उसके बाद जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले हम लोगों ने सबने ये सोचा था कि आप एक नेतृत्व करेंगी राष्ट्रीय, एक पार्टी, एक सेपरेट, सबके साथ में मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए एक नेतृत्व करेंगी। लेकिन आपकी पार्टी के जो कुर्राट बैठे हुए हैं, जो नेता पेट लगाए बैठे हुए भ्रष्ट नेता, उन लोगों ने ये सब होने नहीं दिया।
तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि अब उन जो खुर्राट नेता, जो भ्रष्ट नेता, जो कई सालों से पेट लगा के कांग्रेस में बैठे हुए हैं, आप उनको निकालेंगी, तभी देश के अंदर कुछ नई नई राजनीति की, देशव्यापी राजनीति की शुरुआत होगी। सवाल यह है कि फजील अहमद मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि 50% आपका काम और 50% शाहीनबाग, आप कहते हैं 100% काम, इसका जवाब आप दीजिए। आप शाहीनबाग से भाग क्यों रहे हैं? आपके नेता की भी यही रणनीति थी और आपकी भी यही रणनीति है। आप सिर्फ काम के नाम पर नहीं जीते अकील खान साहब, फजील अहमद कह रहे हैं, उनका कहना है कि 50% हो सकता है। दिल्ली की जनता जानती है, हमने सिर्फ काम के ऊपर ही वोट मांगा था। अब आप अगर ये बोलते हैं तो मैं क्या दिल्ली की जनता को पूछिए कि मतलब उन्होंने किस बात पे वोट दिया, जो सबके सामने है और हमने जो काम करके दिखाया उसका नॉट ओनली इन इंडिया, हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में, वर्ल्ड का जो 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 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है, एक नहीं सारे, और यूएनओ के जो मतलब टॉप के प्रेसिडेंट आए हुए यहाँ पर, उन्होंने आकर के इसको देखा, यूरोप से आए कि ये शिक्षा प्रणाली और जो मोहल्ला क्लिनिक है इतना बढ़िया सिस्टम और इतना इफेक्टिव इतने कम दाम में कैसे उन्होंने तैयार किया, इतना काम किया तो बजरंग बली की शरण में क्यों जाना पड़ गया? देखिए ये बजरंग बली की शरण में हमारे देश जो है धर्म भीलू, हमारे देश में इंटीग्रल पार्ट है धर्म हमारा, और हनुमान जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ईमानदार भक्त को, सही बोले, ईमानदार भक्त को दिया है, बेईमानों को नहीं दिया उन्होंने आशीर्वाद, ये इस बात का द्योतक है। और अरविंद जी एक ईमानदार नेता, ये पूरे देश जानता है कि उन्होंने जो भी काम किया ईमानदारी से काम किया है, और भ्रष्टों का तो मुंह हुआ काला और सच के गले में पड़ी माला, समझ में आ रहा है ईमानदार के गले में पड़ी माला, अहमद को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? और अब मेरा प्रश्न ये होगा कि चलिए वो प्रश्न कर रहे हैं शाहीनबाग का, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है, अब आगे तो आप फिर से सत्ता में आ गए तो शाहीनबाग पर स्टैंड क्या होगा आम आदमी पार्टी का, सरकार का? नहीं, शाहीनबाग जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पूछ लीजिए अकील खान साहब, देखिए अभी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शाहीनबाग जो है CAA जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अगेंस्ट में आया है, और ये कैंसर है, प्री कैंसर सेल होती है ना, NRC आने के पहले CAA प्री कैंसर सेल है। तो आप और नहीं चले जा रहे हैं प्रोटेस्ट का साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये अभी तक नहीं दिया अरविंद जी ने साफ किया है, NRC क्या है? देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं शाहीनबाग में जो लोग धरना देकर बैठे हैं वो नहीं होना चाहिए, रास्ता नहीं रुकना चाहिए, सीए बिल्कुल खत्म करने के लिए बोला उन्होंने, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं देश को इस वक्त ना NPR की जरूरत है ना सीए की जरूरत है। NPR 2015 में उसका रिजल्ट आया था, पिछले 10 साल पहले जो किया था कांग्रेस ने, उन्होंने कहा था कि हम जो है मोदी जी ने कि हम NPR इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक डाटा मिलेगा हम डेवलपमेंट के लिए, 2015 में आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया नहीं कर रहा हूं। तो अरविंद जी का साफ साफ कहना है, देखिए शाहीनबाग जो है वो देश की एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है पूरे देश में। तो अब जाएंगे नॉर्थ से साइड अब जाएंगे, बिल्कुल मैं बिल्कुल गया हूँ शाहीनबाग में, आपने अरविंद केजरीवाल पे हमल होते हैं, अरविंद केजरीवाल अब जाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, अजान होती है, अरविंद केजरीवाल अब जाएंगे वहाँ क्या क्या होता है हमें पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल अब जाएंगे, सीए के अगेंस्ट में हम हैं और सीए की विरोध करते रहेंगे और शाहीनबाग के समर्थन में, शाहीनबाग के लोगों का यही सपोर्ट है, शाहीनबाग के समर्थन में भी आप हैं, सीए के अगेंस्ट में मतलब शाहीनबाग का सपोर्ट है तो सीए के अगेंस्ट में हम है, कांग्रेस गई ना समाजवादी पार्टी गई और न केजरीवाल गए, ये पुलिस है उसको जाना चाहिए, पहले तो किनारा कर लिया, अब कह रहे हैं कि खुलकर जाएंगे, मुद्दा भी आपका भुना लिया इन्होंने, सरकार भी बना ली, और आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं समीक्षा करेंगे, अब कितनी समीक्षा करेंगे साहब, वोट परसेंटेज बढ़ गई वो अच्छी बात है लेकिन हार भी करारी है। अतुल जी, इन्होंने मुसलमान भाइयों को हमेशा वोट बैंक समझा और वोट बैंक के तहत ही उन्होंने जो बैठाला, चाहे शाहीनबाग हो चाहे घंटाघर हो, इन्होंने उनको एजुकेशन में आगे नहीं पहुंचाया और आज भी जो है बच्चे एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, इसी बहाने आज बैठ रहे हैं, आप देख रहे कंडीशन क्या हो रही है, ये चाहे जो भी इस तरह से सपोर्ट करना मुझे लगता है गलत है। आपने जिसकी 36% एजुकेशन रही हो, आज 6% उसकी एजुकेशन नहीं रहेगी अल्पसंख्यक की, आपने दलित से बुरी उसकी पोजीशन बना दी है, और आप ये बात करते हैं बहुत विकास किया है, 450 दंगे समाजवादी के टाइम पे इनका इतिहास है, ये इनका विकास है,
और 8000 दंगे जो है कांग्रेस के वक्त पे हुए हैं। वीर बहादुर सिंह जिनके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मेरठ का सबने मंजर देखा, वीपी सिंह हुआ करते थे यहाँ के, ये देखिए नहीं देखिए सवाल का, जब ये बात करेंगे, जब ये विकास की बात करेंगे तो ये विनाश इसमें शामिल होता है। अतुल जी क्या होगा, कमल जी मैं रोक रहा हूँ, पंकज सोगी साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए और समय भी अब कम रहे, भाई आप खड़े उस काम का नुकसान आपने हमेशा किया फिर कर रहे हैं, नहीं पाया पंकज दस्तोगी साहब, एक पत्रकार के तौर पर आपका मैं कमेंट यहाँ पर ये चाहूंगा। देखिए कांग्रेस की खुशी आप समझ रहे हैं किस बात से है, समाजवादी पार्टी भी किस बात से खुश है वो भी देख लिया, बीजेपी वोट परसेंट बढ़ने के बाद समीक्षा करेगी ये बात वो कह रही है, आम आदमी पार्टी तो खुश होगी सरकार में आ गई, लेकिन शाहीन बाग बनाम काम और काम बनाम केजरीवाल बनाम कौन, इन तीनों चीजों को आप कैसे कंपाइल करेंगे, कहां पर चूक खा गई बीजेपी? देखिए अतुल जी एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी और बीजेपी को बहुत भारी पड़ी और हर स्टेट में उसने स्टेट की समस्याओं को नहीं चुना बल्कि राष्ट्रवादी मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी कई स्टेट लूज करती गई। आप पहले आइए मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं जहां भी यही स्थिति हुई, और वहां करीब 11 लाख लोगों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश जयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 11 लाख लोगों ने नोटा दबाया, मतलब उन्होंने कोई भाग नहीं लिया और वही परसेंटेज बीजेपी की हार का कारण बना। उसके बाद उन्होंने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने का काम किया, ठीक है। इसी तरह से आप आइए झारखंड में गैर आदिवासी और आदिवासी मुद्दा चला जिसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी सरकार से बाहर हो गई। अब केंद्र में दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही वहां सरकार में का मुख्य वो है, सारे विकास का पैसा केंद्र में द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जनता की नब्ज को पकड़ा, पानी बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य उसको फ्री करने का काम किया और जिस जनमानस को का बिजली के ऊपर बहुत खर्च आता था उसको एकदम कम करने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया और इस पे तो उस मुद्दे पे उनकी जीत हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य उस मुद्दे पे वो स्वीप कर गए। हालांकि बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा 32% से 40% पहुंच गए, लेकिन जनता ने फ्री वाली सेवाओं को देखते हुए जिससे उसको काफी राहत मिली, हालांकि बीजेपी ने उनको घर देने का काम किया, 1735 कॉलोनियां जो वैध नहीं थी उनको वैध करने का काम किया जिससे 40 लाख लोग प्रभावित हुए, लेकिन उन 40 लाख लोगों से भी बीजेपी को कोई बहुत फायदा नहीं मिला और बीजेपी 3 सीटों से 8 सीटों पे आके सिमट गई। तो क्षेत्रीय मुद्दे बहुत बड़ी बात है और क्षेत्रीय मुद्दों पे ही केजरीवाल सरकार ने फोकस किया और पानी स्वास्थ्य बिजली और शिक्षा ये जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने को उन्होंने फोकस किया और उन्हीं फोकस पे केंद्रित करते हुए उसने चुनाव लड़ा जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी जीत केजरीवाल सरकार को मिली, तो ये चिंतन की बात है और बीजेपी सरकार को इसके लिए चिंतन करना चाहिए। कमर अली बहुत जल्दी से इसका छोटा सा जवाब दीजिए तो मैं आऊंगा खान साहब के पास आऊंगा। पंकज जी जो बात कह रहे हैं इस बात से आप सहमत हो रहे हैं कम से कम, स्वीकारेंगे इस बात को? उसका नतीजा है कि कांग्रेस यहाँ से बाहर हो गई। कमर अली देखिए वो पत्रकार हैं, अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं, सारे लोग हिंदुस्तान में अपनी बात को रख सकते हैं, सबको अपनी भी बात रखने की आजादी है, लेकिन हमने ये कहा कि मेरा 8% वोट बढ़ा है, अभी 10% कैसे और बढ़ेगा, हमारी पार्टी को इस पे काम करना है, हम जो गुजर गया उसकी क्या बात करना, जो आने वाला है उस पर हम बात करें तो बेहतर रहेगा, क्या क्या हम कर सकते हैं हमारी पार्टी उस पर समीक्षा करेगी और आगे जो कमर अली साहब। हाँ, अभी जो हमने अपना 10 पॉइंट गारंटी का प्रोग्राम बनाया नहीं, हमारा वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे राजस्थान में और एमपी में बढ़ा है, सीटें भले कम क्यों ना आई हो अतुल जी, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं मैं तो सारी बातें मानता हूँ, आप लोग जो कह देते हैं मैं मान लेता हूँ। सुरिता क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप विकास के सपोर्ट करते हैं और दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो हम अब दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं, समय एमसीडी आपके साथ में है, पास में है और ऊपर जो व्यवस्था है पुलिस की व्यवस्था और न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है, तो क्या आप मतलब ये बताएंगे कि मतलब अब जो दिल्ली का विकास आगे द्रुत गति से बढ़ना चाहिए उसके लिए हमें जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई चीजें चाहिए दिल्ली को साफ सफाई करने के लिए, तो आप लोग इस बात को हमारे साथ बैठकर सहयोग देंगे? अब देखिए सहयोग देंगे, मेरा क्वेश्चन है, शाहीन बाग जाएंगे आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो वो सहयोग देंगे वो भी क्या जवाब देंगे? जवाब देने बहुत छोटा सहयोग के केंद्र के बगैर सहयोग के सरकार के नहीं कोई कर सकता और आपको
हमने सपोर्ट बहुत किया। देखिए जब राज्य सरकार कोई निवेदन करती है भारत सरकार से तो ढाई साल अगर आप ये कहते रहे कि मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र सरकार के सपोर्ट के, ढाई साल आपने रोका विकास कोई काम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। आप तो मानिए कि हमने आपने जो फाइल आपकी आई हमने करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी, हमें जो करना है हमने किया। दूसरी बात हम करेंगे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप सहयोग करेंगे, यही एक्सपेक्टेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी ढाई साल के काम पर आप जीते, अभी तो आप कह रहे ढाई साल काम पर जीते, ढाई साल के काम पर हम जीते काम नहीं करने दिया, ढाई साल तक हमें जो 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 हमारे इम्पोर्टेंट चीजें एकदम रोका गया। देखिए आप पूरा रोका गया, एलजी हर काम में रेंगे लगाते थे, अब तो नहीं आएंगे ना, यही हमारी उम्मीद है आपसे। आपको रोका गया ना तो आप ये नारा लगाते ना कि ढाई साल के काम पर हम जीत गए, आप ही कह रहे थे पांच साल पर जीते हैं, आप कह रहे हैं कि रोका गया, जीतने के बाद आपके सुर बदल गए, काम नहीं हो पाए, जीतने के बाद आपके सुर बदल गए, शिक्षा स्वास्थ्य का काम अभी आप पर बहुत सारे बार इसको शाहीन बाग की तरफ ले जा रहे हैं। क्या केजरीवाल की राजनीति का एक और भी उदाहरण है कि बहुत तेजी से बदलते भी हैं, बहुत ट्विस्ट वाली राजनीति भी करते हैं। खान साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि परिणाम आने के बाद अब शाहीन बाग भी उनके लिए मुद्दा बन जाएगा, जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं शाहीन बाग कोई मुद्दा नहीं है, क्या हम सीए है, हमारा मुद्दा है सीए नहीं होना चाहिए। अरे शाहीन बाग सीए के पूरा देश है, वहाँ पर जेएनयू है, एमयू है, जामिया यूनिवर्सिटी है, सब है। शाहीन बाग पूरे देश का एक सेंटर हब बन गया है आंदोलन के लिए और सीए के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग को टारगेट किया, दिल्ली के मुसलमान और अन्य पिछड़े और दूसरे कॉमन लोग ये समझ गए कि अगर भाजपा हमारी दुश्मन है तो हमारा दुश्मन तो केजरीवाल, दोस्त तो केजरीवाल है, तो उन्होंने दोस्त को केजरीवाल वोट दे दिया। यही बीजेपी का बैकफायर हुआ और इसी की वजह से काम किया इन्होंने, हम नहीं कह रहे कि काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह की प्रचंड बहुमत और लोगों में उत्साह, ये निश्चित रूप से एग्रेशन का वोट था, नेगेटिविटी का वोट था। ये मानना और है कि शाहीन बाग के वजह से इनको और ज्यादा मजबूती, बीजेपी भी अपने विकास की चर्चा नहीं की, उज्ज्वला योजना की चर्चा नहीं किया, तमाम योजनाओं की चर्चा नहीं किया, सब किया था, लेकिन यहाँ पर फ्री और वहाँ पर फ्री दोनों के फ्री में अंतर हो गया, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। 15 लाख वाला मामला फंस गया आपका, डॉक्टर सुरीता आपका, सचिन भाई आपका, पंकज जी आपका, फजील अहमद आपका और अकील खान साहब आपका। तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सरकार तो बना ली, लेकिन अब वही सुर होगा कि केंद्र हमें काम नहीं करने देता, क्योंकि अभी से इसकी चर्चा होने लगी है या वाकई काम द्रुत गति से होगा। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दी है, अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई और आम आदमी पार्टी ने पांव पसारना भी आज से शुरू कर दिया। नंबर के जरिए वो लोगों को जोड़कर राष्ट्रव्यापी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।